my channel Talk with Chuck. Friends, today we are going to discuss the events of 11th April 2022 in multiple choice format. आज हम 11th अप्रैल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसी को मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं. सो वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वेलोर डे या फिर शौर्य दिवस इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे एवरी ईयर. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF वीरता दिवस या फिर शौर्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है 8th अप्रैल, 9th अप्रैल, 10th अप्रैल और 11th अप्रैल. तो आंसर पर चलते हैं. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वेलोर डे शौर्य दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 9th अप्रैल एवरी ईयर एज ए ट्रिब्यूट टू द ब्रेव मैन ऑफ द फोर्स. तो ये 9th अप्रैल को मनाया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर टू, ए फोटोग्राफ बाय कनाडियन फोटोग्राफर अम्बर ब्रैकेन टाइटल्ड व्हाट हैज ऑन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड. कनाडा के फोटोग्राफर अम्बर ब्रैकेन द्वारा कौन सी शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन सर काबुल सिनेमा, नवर देकन, पीपल ऑफ वेस्ट एंड हेमलैंड, लालो डी अल्मेडा एंड फोर्थ ऑप्शन इज कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल. एंड दी आंसर इज कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल. तो आंसर पर चलते हैं. कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन द्वारा कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है. देन क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं. Which of the following novel has become the first Hindi language work of fiction to be shortlisted for the prestigious International Booker Prize? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है? तो ऑप्शन सर ए न्यू नेम, सेप्टोलॉजी, सिक्स सेवेंथ हेवन, टॉम्ब ऑफ सेंट एंड एलिना नोज. दीज आर दी फोर ऑप्शंस गिवन एंड दी आंसर हियर इज टॉम्ब ऑफ सेंट. तो आंसर पर चलते हैं. इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज द नोवेल टॉम्ब ऑफ सेंट ऑथर्ड बाई गीतांजलि श्री हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज. सो द नेम ऑफ द नोवेल इज टॉम्ब ऑफ सेंट एंड द राइटर और द ऑथर इज गीतांजलि श्री. क्वेश्चन नंबर फोर, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव ऑब्जर्व AVSAR टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन एंड प्रोवाइड देम विद द राइट अपॉर्चुनिटीज. हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? दिस इज द क्वेश्चन एंड हिंदी में इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल शुरू की है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और आंसर ऑप्शन सर संजीव कुमार, विक्रम दत्ता, ज्योति शर्मा, अरविंद सिंह. संजीव कुमार. सो आंसर पर चलते हैं. संजीव कुमार एन IAS ऑफिसर ऑफ 1993 बैच ऑफ महाराष्ट्र कैडर हैज एज्यूम्ड चार्ज ऑफ चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन 7th अप्रैल 2022. देन क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं. नेम द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. BCCI का एब्रिविएशन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. बुक का नाम क्या है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI. ये पुस्तक का लेखक कौन है? इन ऑप्शन सर आशीष सिंह, शुभम अरोरा, सोनिया वर्मा, विनोद राय. एंड इट इज ए बुक ऑफ श्री विनोद राय, फॉर्मर CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. विनोद राय वॉज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, 11th CAG थे
In his recently published book, Not Just a Night Watchman, My Innings with BCCL. Then question number 6 पे चलते हैं. As per RBI monetary policy, 8th April 2022, RBI has projected India's GDP growth forecast for financial year 23 at what percent? ऑप्शंस दिया गया है 7.2% या फिर प्रतिशत 7.8%, 8.5% और 9%. तो इनमें से कौन सा होगा, आंसर पर चलते हैं. RBI ऑल्सो लोअर द GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम 7.8% टू 7.2%. पहले अनुमान लगाया था 7.8% होने के लिए, लेकिन अभी कम कर दिया है 7.2%. RBI ऑल्सो एक्सटेंडेड द रेशनलाइजेशन ऑफ रिस्क वेट्स फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स टिल 31 मार्च 2023. RBI ने, इसको हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं, RBI ने भी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए GDP पूर्वानुमान को 7.8 से घटाकर 7.2% कर दिया है. RBI ने व्यक्तिगत आवास ऋण के लिए जोखिम भार के युक्तिकरण को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विथ व्हिच कंपनी रोल्स रॉयस हैज लॉन्च्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन बेंगलुरु? किस कंपनी के साथ रोल्स रॉयस ने बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर का लॉन्च किया है? और ऑप्शंस हैं IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंफोसिस. आंसर पर चलते हैं. IT मेजर इंफोसिस एंड लीडिंग इंडस्ट्रियल टेक कंपनी रोल्स रॉयस ओपेंड देयर जॉइंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन बेंगलोर. देन क्वेश्चन नंबर 8. इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ XE वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 वॉज रिपोर्टेड इन मुंबई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग SARS-CoV-2 वेरिएंट इज फॉर्म एज ए सब वेरिएंट इन XE? इट इज द क्वेश्चन. तो ऑप्शन आर अल्फा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन, एंड द आंसर इज ओमिक्रॉन वेरिएंट. आंसर पर चलते हैं. द न्यू सब वेरिएंट XE, ए हाइब्रिड स्ट्रेन ऑफ द टू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स, कुड बी द मोस्ट ट्रांसमिसिबल कोरोना वायरस स्ट्रेन सो फार. नया सब वेरिएंट XE दो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का एक हाइब्रिड स्ट्रेन अब तक का सबसे ट्रांसमिसिबल कोरोना वायरस स्ट्रेन हो सकता है. सो द न्यू सब वेरिएंट XE, ए हाइब्रिड स्ट्रेन ऑफ द टू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स, कुड बी द मोस्ट ट्रांसमिसिबल कोरोना वायरस स्ट्रेन सो फार. देन क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विल एस्टैब्लिश भीमो भोई चेयर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी रिलेटेड विथ भीमो भोई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय में भीमो भोई कुर्सियों की स्थापना करेगा. निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भीमो भोई से संबंधित है? ऑप्शन सर वैशेषिका फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी एंड महिमा फिलोसफी. सो द आंसर इज इट इज महिमा फिलोसफी. आंसर पर चलते हैं. भीमो भोई कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. इन 19th सेंचुरी सेंट पोएट ऑफ ओडिशा पॉपुलरली रेफर टू ए संथ कवि वॉज एन आर्डेंट प्रोपोनेंट ऑफ महिमा धर्म एंड प्लेड ए स्टेलर रोल इन रिकिंडलिंग द कल्चुरल एंड लिटरेरी कॉन्शसनेस इन द स्टेट. ओडिशा के 19वीं शताब्दी के संत कवि जिन्हें संत कवि के नाम से जाना जाता है महिमा धर्म का प्रबल समर्थक थे और उन्होंने राज्य में सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना को फिर से जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज कंप्लीटेड इट्स हाउ मेनी इयर्स? कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ने अपने वर्ष पूरे कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? यहाँ पे एक डैश है. ऑप्शन सर 7, 4 years, 3 years, 5 years. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज कंप्लीटेड इट्स 7 years ऑन 8th April 2022. आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे 12th अप्रैल में जो जो इवेंट्स हुआ था उसी के ऊपर.
So this was all that I have for today's video. I hope this video was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like and share my channel. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.